तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। जिन्होंने यामाहा MT-15 के बारे में सुना था, सो आज वो बाइक जाके हम रिवील करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों पहले जब मैंने देखा था ट्रेलर उस बाइक के बारे में, तो मैंने सोचा था कि उस बाइक के बारे में प्रॉपर वॉक अराउंड वीडियो रिव्यू और एग्जॉस्ट नोट के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो एक वीडियो बनाऊंगा। फिर मैंने यामा के शोरूम में जाके बोला कि जब भी फर्स्ट पीस आए नासिक में तो मुझे जल्द से जल्द बताए, फिर मैं वहां पे आऊंगा और उस बाइक को पूरी तरीके से कवर कर दूंगा। सो लेट्स गो देयर और अभी सीधा मिलते हैं यामा के शोरूम में। टिल देन बाय बाय। सो हियर इज द यामाहा MT-15। So this is the look of the bike and it's look pretty good. So this is in black color और दिखने में तो काफ़ी interesting है बाइक। So बाइक की थीम रखी गई है पूरी तरीके से बैटमैन एंड यू कैन सी द DRLs और एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प। दिस आर द इंडिकेटर्स। LED इंडिकेटर नहीं दिया इन्होंने अपना ट्रेडिशनल हेलोजन इंडिकेटर दिया। सो दिस इज द एलॉय व्हील्स। सो हियर इज द यामाहा बैजिंग, MT बैजिंग, और बाइक काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिश की गई है बाइक की। सो दिस इज द सीट और सीट मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी बाइक की। 810 mm की सीट हाइट दी गई है उसको एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ओवर हियर जो कि यामाहा वर्जन 3 के जैसा ही है पूरे के पूरे तरीके से। टैंक कैपेसिटी इज 10 liters और ये स्विचेस की क्वालिटी टॉप नॉच है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्विचेस दी गई है बाइक में। सो सेम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एज यामाहा वर्जन 3। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिया गया है बाइक को एंड हियर इज द ब्रांडिंग MT की। एंड दिस इज द इंजन जो कि 155 cc का है। सो ये इंजन पूरी तरीके से यामाहा R15 वर्जन 3 से लिया गया है एंड दिस इज द रेडिएटर और नीचे इंजन गार्ड भी दिया गया है। सो दिस इज द टेल साइड ऑफ द बाइक। बिल्ड क्वालिटी इज ऑसम। बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सो LED टेल लैम्प दिया गया है बाइक को। एंड दिस इज द एग्जॉस्ट ओवर हियर। ब्रेक्स पीछे डिस्क ब्रेक दी गई है और सिंगल चैनल ABS में आती है बाइक एंड दिस इज द शॉक अब्सर्स ओवर हियर जो कि मोनोशॉक है। यामाहा की ब्रांडिंग पीछे भी एंड दिस इज द साइड लुक। सी दिस इज द बैटमैन लुक ऑफ द बाइक। आई लाइक दिस लुक वेरी मच। और पीछे का टायर बाइक का MRF का है जो कि रेडियल टायर है MRF का। सो बाइक इज 138 kg, ड्राई वेट है, ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm का है। 6 gears है बाइक को। टॉर्क है 14.7 Nm का और 19.30 bhp है बाइक। सो दिस इज द साइड लुक और आगे ABS दिया गया है एंड आगे भी MRF का रेडियल टायर्स है। ब्रेक्स दिए गए हैं बाइब्रे का।
and see, this is the features, trip 1, trip 2, this is the average or yet time. So ऐसे हम अपर देंगे. And let's listen the exhaust note. So that's all about the video. Keep supporting my channel और please subscribe करो channel को, क्योंकि आपके subscription बहुत matter करते हैं. So R15 की भी मैं एक video लेके आऊँगा जो कि matte black version वाली R15 का होगा. So thank you for watching the video. Till that, signing off, Ganesh Shinde, bye bye, live young, live free.